गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएल। ये टॉपिक आपके लिए मैथमेटिक्स में हर जगह पर काम में आता है, इसलिए इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपके लिए कंपटीशन एग्जाम हो या फिर आपके स्कूल के एग्जाम हो या फिर कॉलेज के एग्जाम हो, हर जगह पर ये काम में आता है। तो आप इसके बेसिक समझेंगे, बेसिक के बाद में इसके जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन होते हैं उनको भी समझेंगे, इनका यूज कहाँ होता है वो भी आप समझेंगे, ठीक है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। देखिए इन दोनों की परिभाषाएं समझेंगे, अपने आप ही आपको याद हो जाएगा ये होता क्या है। देखो एलसीएम वो छोटी छोटी संख्या होता है जो हमको याद तो संख्या दी होती है ना, उन सबका भाग जाता है उसमें, है ना। और एचसीएफ, एचसीएफ वो छोटी छोटी संख्या होती है जिसमें जिसका इस यहां पर दी हुई संख्याओं में सब में भाग जाता हो। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक एग्जाम ले लेते हैं, 15, 18 और 21, ये हमने संख्या ले ली, ठीक है। अब देखो एलसीएम और एचसीएम निकालने के तरीके बहुत सारे हैं, बहुत सारे तरीके से निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूं जिस तरीके से आपको इनकी जो अंदर की जो बेसिक्स है वो समझ में आ जाएगी। जैसे 15 को हम लिख सकते हैं 3 × 5, 18 क्या लिख सकते हैं, 18 लिख सकते हैं 3 × 2 × 2, 3 × 9 = 18, 21 क्या लिख सकते हैं 3 × 7, ठीक है। देखिए एलसीएम के लिए हमको सबसे बड़ी घात लेनी पड़ेगी, इन तीनों में से सबसे जो बड़ी घात होती है वो एलसीएम लेंगे, मतलब 3 की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, ठीक है। उसके बाद में नंबर आता है 2 का, 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, 1 है। उसके बाद में 5 की सबसे बड़ी घात क्या है, 1 है, और 7 की सबसे बड़ी घात क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये इन सबको गुणा करने पर जो संख्या आएगी वो हमारी निकल के आती है क्या, एलसीएम। जैसे 3 × 9, 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18, 18 × 5 = 90, 90 × 7 = 630, ठीक है। ये तो हो गया इसका एलसीएम। अगर हम एचसीएफ निकालते हैं इसका, तो इनमें से वो संख्याएं लेंगे, वो घातें लेंगे तो सबसे कम हो। जैसे यहां पर सबसे पहले 3 की सबसे छोटी घात किसमें पाई जाएगी, तीनों में से, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, मतलब एक घात तीनों में सबसे छोटी है। उसके अलावा अगर हम 2 की सबसे छोटी घात लें तो इसमें तो 0 है ना, तो 0 घात लेने मतलब है 1, 1 को किस संख्या से गुणा करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से 5 की घात यहां पर तो 1 है लेकिन यहां पर 0 है, यहां पर 0 है। 7 लेंगे तो 7 की घात यहां पर तो 1 है लेकिन यहां पर 0, यहां पर 0, हमें 7 की घात 0 लेनी है। 7 की घात 0 मतलब क्या होता है, 1, मतलब हमारा जो एचसीएफ है वो ये होगा। अब इसकी परिभाषा समझो, परिभाषा क्या होती है, देखिए ये एक बड़ी संख्या आ गई, इसका मतलब यह है कि इस संख्या में इन सब का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, ठीक है। और एचसीएफ का मतलब यह है कि ये जो 3 है ना, इसका इन तीनों संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। दोबारा समझो, ये जो बड़ी संख्या है ना, इसमें इन तीनों संख्याओं का पूरा पूरा भाग चल जाएगा, इसलिए एलसीएम है। और ये एचसीएफ इसलिए है क्योंकि ये एक छोटी संख्या है और इस संख्या का इन तीनों में पूरा पूरा भाग चल जाएगा, ठीक है। ये होता है एचसीएफ और एलसीएम। अब इनको निकालने का एक बेसिक तरीका तो मैंने ये बताया कि जहां पर हम सबसे बड़ी घात लेते हैं वहां तो एलसीएम निकल जाएगा, और जहां सबसे छोटी घात लेते हैं वो एचसीएफ निकल जाएगा। उसके अलावा इसको निकालने का एक तरीका और है, तो कन्वेंशनल तरीका है, आपको छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है, ये है। जैसे 15, 18 और 21, इनको अगर आप एक साथ लेते हैं, ठीक है, तो अगर हम इसमें सबसे पहले अभाज्य संख्याओं को भाग देंगे तो 2 का भाग देंगे, 15 में नहीं जाता तो आप 15 को यहां पर लिखें, 18 में 9 बार जाएगा और 21 में नहीं जाएगा, तो 21 में यहां पर लिखें। अब देखो इनमें 2 का नहीं जा रहा, आप 3 का 2, तो इसमें कितनी बार जा रहा है, 5 बार, इसमें 3 बार जा रहा है, इसमें 7 बार जा रहा है, अभी भी इसमें 3 का जा रहा है, फिर आप 3 का फिर से 2, ठीक है। तो 5 जिसमें नहीं जाएगा उसको यूं लिख दो, 3 में जा रहा है इसलिए 1 बार जा रहा है, 7 में नहीं जा रहा है अब 5 का 2, 5 में 5 एक बार चला गया, 1 में नहीं जाएगा तो 1 यूं लिख दो, 7 में जा रहा है अब 7, ठीक है। तो 1 1 1, ठीक है। अब इन संख्याओं को गुणा कर दोगे तो ये निकल के आएगा एलसीएम। देखो 7 × 35 = 35, 17 × 35 = 105, 105 × 3 करोगे तो 315, ठीक है, 315 2 से गुणा करोगे तो 630, वही निकल के आएगा, ये कन्वेंशनल तरीका है, ठीक है। एचसीएफ निकालने का
एक तरीका यह है कि आप इन संख्याओं को इस तरह से अभाज्य गुणन करोगे और उसमें से सबसे छोटी घात लोगे, तो वही तरीका है इसका। तो ये हो गया एक साधारण संख्या होगा HCF और LCM निकालने का तरीका। अब ये HCF और LCM निकालना कहां जाता है, देखो HCF तो अलग बात है, LCM वहां पर निकाला जाता है जब हम भिन्नों का योग करते हैं, जैसे 3/5 प्लस 3/4 प्लस 1/2, इन संख्याओं को जोड़ना है। ठीक है, जोड़ने के लिए हम नीचे वाली संख्याओं का LCM लेते हैं, जैसे 5 और 20। ठीक है, अब देखो 20 में 5 कब जाएगा, 4 कब जाएगा, 2 कब जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 20 इसका LCM हो गया। अब 5 का भाग 20 में देखेंगे कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 को गुणा करेंगे 3 से, 4 3 12, एक प्लस का चिन्ह होगा यूं, 4 का भाग 20 में देंगे 5 बार जाएगा, 5 को 3 से गुणा करेंगे 5 3 15, प्लस 2 का भाग 20 में जाएगा 10 बार जाएगा, 10 को 1 से गुणा करेंगे तो 10। अब इन संख्याओं को जोड़ लेंगे, 12 और 15 27 27 और 10 37 बटे 20, बस ये हो गया इसका सॉल्यूशन। तो यहां पर काम में आता है हमारा LCM। ठीक है, तो अब इसके अलावा हम कुछ भिन्नों के LCM और HCF निकालना सीखेंगे। कई बार हमें भिन्नों के LCM और HCF पूछता है कंपटीशन में, सीधे सीधे पूछता है कि इसका LCM क्या होगा, इसका HCF क्या होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, यहां पर 1/2, 3/5 और 3/6 ले लेते हैं, ये 3 संख्या ले ली। ठीक है, हमें इसका HCF लेना है, HCF निकालना है। ठीक है, HCF निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो हरो होती है ना, सभी हरो का HCF बटे नहीं अंश होगा, ऊपर अंश है तो अंश लेंगे ना, और नीचे सभी हरों का LCM, इस तरह से भिन्नों का निकलता है ये। ठीक है, तो निकालेंगे, देखो यहां पर सभी अंशों का HCF क्या होगा, मतलब HCF मतलब वो छोटी छोटी संख्या जिसमें जिसका इन सभी भाग जाता हो। तो देखो 3 3 हो सकता है, लेकिन यहां पर 1 है इसलिए 1 ही होगा, जब तीनों संख्या अलग हो अभाज्य हो और जिसमें किसी भी संख्या में भाग नहीं जाता तो 1 इसका HCF होता है। अब नीचे LCM लेंगे। ठीक है, तो देखो 6/30, 30 में 2 का जाएगा, 5 का जाएगा और 6 का जाएगा, तो 30, तो इन दोनों का HCF कैसे निकलेगा, 1/30। ठीक है, देखो ये तो अब बात हो गई HCF की, अब हम एग्जांपल और लेते हैं LCM का। ठीक है, जैसे हमारे पास में 5/7, 3/9, 2/3, ये 3 संख्याएं हैं, इनका हमको निकालना है LCM। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखें, यहां पर जैसे यहां पर सभी अंशों का हमने क्या निकाला था, HCF, जब हम HCF निकाल रहे थे, यहां पर सभी अंशों का क्या निकलेगा, LCM, सभी अंशों का LCM बटे सभी हरों का HCF। यहां पर ये उल्टा हो जाएगा, मतलब जो चीज निकालनी है ना उसको उनका अंशों का उसी निकाल देने, बचे नीचे का उसके विपरीत। जैसे यहां पर हम LCM ले रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो ऊपर वालों का था LCM और नीचे वालों का HCF। देखो यहां पर LCM निकालने के लिए क्या करोगे, 5 3 15 15 29, देखो 30 में 5 का भी जाता है, 7 का भी जाता है, 3 का भी जाता है और 2 का भी जाता है, तो 30 तो ऊपर हो जाएगा और नीचे सभी हरों का HCF। HCF मतलब क्या होगा कि एक ऐसी संख्या जिसका सब में भाग जाता हो, 7 का भाग या फिर 9 का या 3 का, इन दोनों का तो 3 निकल सकता है लेकिन 7 होने की वजह से नहीं निकल पाएगा, तो यहां पर आएगा 1, मतलब इन दोनों का क्या होगा LCM निकल जाएगा 30/1, मतलब 30 निकल जाएगा अगर हम इन सभी संख्याओं का भाग दें 30 में, तो पूरा पूरा चल जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, LCM हो गया। इस तरह से हम भिन्नों के भी HCF और LCM निकाल सकते हैं, दशमलव वाली संख्याओं को, दशमलव वाली संख्याओं का HCF व LCM। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हम पहले इन दशमलव संख्याओं क्या करेंगे, भिन्न के रूप में बदलेंगे और उसके बाद में हम इनका HCF और LCM निकालेंगे, तो बहुत आसान हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पर ले लेता हूं मैं, यहां पर 2.1
और 4.2 और 6.3, तीन संख्याएं ली मैंने, ठीक है। अब हमको इन दोनों का HCF और LCM दोनों निकालने हैं, HCF व LCM दोनों निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो हम इनको क्या करेंगे, साधारण बिंदुओं में बदलेंगे, कैसे, 2.1 तो इसको पॉइंट हटाएंगे, ये नीचे 10 का भाग देंगे तो 21/10, ये हो जाएगा 42/10 और ये 63/10। तो देखो हमें पहले क्या निकालना है इसका, HCF। HCF निकालने के लिए ऊपर वाली संख्याओं का HCF निकालेंगे, ठीक है, और नीचे वाली संख्याओं का LCM निकालेंगे। तो ध्यान दे, ऊपर वाली संख्याओं का HCF क्या होगा, मतलब वो छोटी छोटी संख्या लेंगे जिसका तीनों में भाग जाता हो, तो 21 होगा इसका HCF, ठीक है, और इनका तीनों का LCM, तीनों का LCM क्या होगा, मतलब 10 ही होगा। देखो 10 का भाग 10 में जाता है, 10 का भी जाता है 10 भी जाता है, तो ये क्या होगा, तीनों का HCF होगा। अगर हम इनका LCM निकाल लें 21/10 का, 42/10 और 63/10 का LCM निकालें, तो ऊपर वाली संख्याओं को हम क्या लेना है, LCM ले रहे हैं, मतलब इनका तीनों का LCM क्या होगा, 63 होगा, क्योंकि 63 में 21 का भाग जाता है, नहीं नहीं 42 में नहीं जाता, तो फिर हमको एक ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम LCM निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं 21, 42 और 63। तो सबसे पहले आप 21 का ही भाग दो इसमें, एक बार जाएगा, दो बार जाएगा, तीन बार जाएगा, फिर दो से गुणा करेंगे, फिर तीन से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 6 21 छक्का 126, तो 126 क्या होगा इसका LCM होगा, ऊपर वाली संख्या होगा और नीचे वाली संख्या होगा HCF 10 ही होगा, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, यहां पर 10 का भाग दे दो इसमें, तो क्या हो जाएगा 12.6 इसका क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा, और यहां पर 2.1 क्या हो जाएगा इसका HCF हो जाएगा। इस तरह से आप इनके HCF और LCM निकाल सकते हैं पॉइंट वाली संख्याओं के। यदि आपको इन पॉइंट वाली संख्याओं में या फिर किसी भी तरह की संख्याओं का HCF और LCM निकालना नहीं आता या फिर कुछ सवाल में दिक्कत आ रही हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं वो सवाल आपको यहाँ पर बोर्ड पे करके जरूर बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब वीडियो खत्म करने से पहले आपसे फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, धन्यवाद।